नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएस पर। सो चाइना बड़ी तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बना तो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे जो आने वाले लड़ाकू विमान हैं उनको ऑपरेट करने के लिए चाइना के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पायलट्स अवेलेबल नहीं है। बल्कि बताया जा रहा है कि चाइना के पास अप्रॉक्सीमेटली 200 पायलट्स के आसपास की कमी देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यह भी है कि जो नए पायलट्स आ रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए चाइना के पास ट्रेनर जेट्स भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली खबर सबसे पहले सामने लाई गई साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस आर्टिकल के द्वारा। चाइनीज नेवी स्ट्रगल्स टू फाइंड एनफ पायलट्स फॉर इट्स 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और उसके बाद इसकी कवरेज इंडियन मीडिया द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा भी करी गई है। चाइना इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द एनफ ट्रेनर पायलट्स फॉर इट्स 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो यहां पे बात करेंगे बेसिकली कि चाइना को जो कमी महसूस हो रही है उसके पीछे विशेष कारण क्या है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि चाइना इस चीज के साथ जूझने के लिए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यहां पे क्या कर रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग के ऊपर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसको हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप लोग सुपर के स्टूडेंट हैं तो जाकर के इसको चेकआउट कीजिए, अगर नहीं है तो डू चेकआउट द सुपर कोचिंग प्रोडक्ट। अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं तो उसमें आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑल राइट, सो बड़ी सिंपल सी बात है कि चाइना आज की डेट में अपने वॉरशिप्स के लिए जो पायलट्स हैं उसकी एक बड़ी ही शॉर्टेज महसूस कर रहा है। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इज स्ट्रगलिंग टू मीट द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर क्वालिफाइड शिप बोन फाइटर जेट पायलट्स टू ऑपरेट द स्पेशली मेड J-15 जेट्स फॉर द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। आपको बता दें कि चाइना ऐसा देश है जिसके पास आज की डेट में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो चुके हैं। 2 को चाइना काफी लंबे टाइम से इस्तेमाल करता आया है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के द्वारा आज से 4 महीने पहले जून के महीने में लॉन्च किया गया था जिसका नाम है फुजियान। और अब इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर बेसिकली जो लड़ाकू विमान होते हैं उसको चलाने के लिए जो पायलट्स हैं वो चाइना आज की डेट में उन पायलट्स की कमी महसूस कर रहा है। आप लोग के बता दूं कि चाइना के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ऑपरेट करने के लिए जो लड़ाकू विमान था उसको भी खुद ही तैयार किया गया था, जिसको कि चाइना शेनयांग J-15 या फिर केवल J-15 के नाम से जानती है। इसको फ्लाइंग शार्क भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू चाइना ये एक 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको कि प्राइमरीली पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवल एयरफोर्स यानी कि चाइना की नेवी के लिए बनाया गया है और प्राइमरीली उनके जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके ऊपर ऑपरेट करवाने के लिए इनको बनाया गया था। और ये पूरी की पूरी कहानी सामने कब आती है, जब रिसेंटली चाइना ने ये अनाउंस किया कि उनका जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज फुजियान उसकी वो ट्रायल्स को शुरू कर रही हैं। ये वाली खबर 27 सितंबर की है। उस दिन ये वाली खबर सामने आई और ये पता लगा कि असल में द पीएलए नीडेड अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वालिफाइड करियर बेस्ड फाइटर जेट पायलट्स टू ऑपरेट अप्रॉक्सीमेटली 130 शिप बोन एयरक्राफ्ट। लेकिन प्रॉब्लम थी कि उनके पास ये वाले पायलट्स अवेलेबल नहीं थे। बाय द वे आपको बता दें कि ये वाला वो एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान है जिसको कि चाइना डब करता है अपना वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी इसकी ट्रायल्स चलेंगी और कुछ सालों के बाद इसको कमीशन करवाया जाएगा। नाउ यहां पर क्या है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। असल में चाइना के पास पायलट्स इसलिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज चाइना के पास पायलट्स को ट्रेन करने के लिए जो फाइटर ट्रेनर जेट्स होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। सो यहां पर चाइना की ही एक मैगजीन है जो कि चाइनीज मिलिट्री मैगजीन है जिसका नाम है ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी, जिसने खुद से इस चीज को एडमिट किया है कि इवन दो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की है उन्होंने यहां पे करियर बेस्ड फाइटर जेट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम को काफी तेजी से बढ़ाया तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इट्स लैक ऑफ फाइटर ट्रेनर स्पेशली डिजाइंड फॉर करियर बेस्ड ऑपरेशंस हैज हिंडर्ड द प्रोग्रेस, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर फाइटर ट्रेनर जेट अवेलेबल नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना के द्वारा यहां पे J-15 को बनाया गया लेकिन उनके द्वारा इसका जो ट्रेनर वर्जन है उसको नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आज वो अपने पायलट्स को ट्रेन करने में यहां पे सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। नाउ चाइना खुद भी इस चीज को मानता है कि फाइटर जेट्स को डेवलप करना इतना मुश्किल इतना आसान नहीं है, और बल्कि उनके जो ट्रेनर वेरिएंट्स होते हैं उनको डेवलप करना तो और भी कठिन होता है। दे बिलीव इट इज फुल ऑफ चैलेंजेस। एक तो पहले एयरक्राफ्ट का डिजाइन करना और उसके बाद पायलट ट्रेनिंग करना, ये दो सबसे मुश्किल काम होते हैं जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जुड़े होते हैं, और ये कोई भी तीसरी कंट्री आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेगी। और यही वाली जो मुसीबत है ये आज चाइना फेस कर रही है।
है। नाउ बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जो चाइना के द्वारा बनाए गए J-15 करियर बेस्ड फाइटर जेट्स थे, एक तो उसमें पहले ही बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही थी, बिकॉज बोला जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ऑपरेट करने के लिए बहुत हैवी हैं, और दूसरी बात यह भी सामने आई है कि उसके जो ट्रेनर वेरियंट्स हैं वही चाइना के द्वारा यहां पर नहीं बनाए गए हैं। आप देखिए कि इसका जो वेट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 17.5 टन्स, और दुनिया के जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे चलने वाले जो फाइटर जेट्स होते हैं उसका अगर हम मैक्सिमम वेट देखते हैं तो 13.5 टन के आसपास देखने को मिलता है। बल्कि कहा जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर विमान का वेट अप्रॉक्सीमेटली 9 टू 11 टन के बीच में है, दैट इज दी परफेक्ट वेट फॉर ऑपरेटिंग ऑन एन एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन चाइना का जो यहाँ पे J-15 फ्लाइंग शार्क जिसे कहा जाता है, इट हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट करियर बोर्न फाइटर, क्योंकि इसका जो वेट है ये बहुत ही ज्यादा है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो उसी की वजह से काफी कम हो जाती है, इसीलिए ये बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से इसका टेक ऑफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। नॉट जस्ट टेक ऑफ बल्कि इनको रिकवर करना, इनकी लैंडिंग करना वो भी काफी मुश्किल हो जाता है। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम असल में काफी बाधाओं में आ गया था, आज से 6 साल पहले की बात है, 2016 आप लोग देख पाएंगे, जब 2 क्रैशेज हुए थे चाइना J-15 एयरक्राफ्ट के, जिसमें कि एक जो पायलट था उसकी डेथ हो गई थी और दूसरे का यहां पे काफी सीरियस इंजरी देखने को मिली थी। तब से भी प्रॉब्लम्स चाइना फेस कर रहा था और अब वही प्रॉब्लम्स फिर से एक तरीके से फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड बिकॉज ऑफ लैकिंग अ ट्रेनर वेरिएंट, जिसकी वजह से वो आज अपने ट्रेनिंग जो पायलट्स हैं उसकी ट्रेनिंग को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे चाइना इसके बदले में बेसिकली क्या कर रहा है, सो चाइना हैज गॉटन वेरी वेरी डेस्परेट। बेसिकली चाइना ने अब क्या करना शुरू किया है, उन्होंने हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को डायरेक्टली रिक्रूट करना शुरू कर दिया है एज कैडेट्स, और इनकी जो एज है ये केवल 16 और 19 के बीच में है। ये वाली जो प्रक्रिया है चाइना पिछले 2 सालों से कर रहा है बिकॉज उनके पास असल में यहाँ पे पायलट्स ही अवेलेबल नहीं है। और इससे 10 साल पहले जब लगभग चाइना ने इस अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेन करना शुरू किया था, उस टाइम पे जो एवरेज एज थी वो 26 और 29 के बीच थी, और आज चाइना सडनली 10 साल यंगर पायलट्स को ट्रेन करने के प्रयास में लग चुका है। नाउ चाइना जो है वो अपनी नेवी को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज तो कर रहा है, लेकिन टेक्निकल एंड पे अगर आप देखें तो चाइना इज लैकिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, और अगर चाइना को यूएसए के साथ कैचअप करना है तो डेफिनेटली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको चाइना को यहाँ पे पहले सॉल्व करना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको फिर से एक बार बता दूं कि टेस्ट बुक आपके लिए दोस्तों लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको डेडिकेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2400 रुपए प्रति मंथ में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको सभी टीचर्स के सभी लेक्चर्स और सभी स्टडी नोट्स अवेलेबल एक्सक्लूसिवली करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।